जब हम स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले हर तरीके की लाइनिंग्स सीखना जो कि ज़रूरी होता है, पहले भी मैंने बताया। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस लाइन, ये सब कैसे होगा। एक ही आपको पेंसिल लेना है जिसे आपको नोक करना है और उसी में हमें डार्क, मीडियम एंड लाइट कलर को करना है। मतलब कि ये नहीं कि हमने लाइट कलर करने के लिए एज अ ईयरबड का इस्तेमाल किया या फैलाने के लिए, नहीं। जब आप एक प्रोफेशनल स्केचिंग आर्टिस्ट बनते हो तो अपने हाथ को देखिए, मैंने यहाँ पे धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए अपने आप लाइट हो रहा है। अब यहाँ पर एक बार और, जितनी ज़्यादा लाइन्स उतने डार्कनेस होती हैं, ठीक है। हाथों को एकदम रिलैक्स होकर उठाइए और ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये फिर से और डार्क, यहाँ पे हम फिर से 4 से 5 राउंड 6 राउंड करते हैं। इससे हमारा, अब आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है डार्क है, ये आपका मीडियम है एंड लो, ठीक है। तो इस तरीके से हर एंगल में बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, तो अब सर्कल आप कैसे बनाओगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बनाते बनाते आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। ये जब हेयर वेयर का काम हम लोग करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे फिर एक बार ठीक है, फिर एक बार, जब जितना ज़्यादा ऊपर करेंगे उतना लेयर रहेगा, उतना ही डार्क होता जाता है वो पोर्शन, ठीक है। ये हुआ डार्क, और ये देखिए पेंसिल वही है हल्के हाथों से, ठीक है। तो ये हुआ डार्क, ये हुआ मीडियम एंड ये हुआ लोअर। अब जैसे क्रॉस वाला हमें बनाना है, तो क्रॉस कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। पहले तो लाइनिंग वगैरह जो कि पहले मैं बता चुकी हूँ, लाइनिंग बनाइए आप। अब ये देखिए इस तरीके से जितनी बार हो सके एकदम रफ हाथों से आपको लाइनिंग बनानी है इस तरीके से, ठीक है। ये जब हम फेस वगैरह करते हैं तब उसमें एज अ क्रॉसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से, तो ये आपका एक क्रॉस जैसा बनेगा। अब इस वाले एंगल को थोड़ा इस तरीके से दिखाइए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर इस तरीके से लिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला हो गया, सर्कल हो गया, उसी तरीके से रैंडम हो जाएगा। डॉट भी आपको इस तरीके से कंटिन्यू डार्क बनाना है। फिर यहाँ पे लाइट लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क 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 डार्क, जितनी ज़्यादा आप इसमें लेयर डालोगे उतना ही वो पोर्शन डार्क होता जाएगा। यहाँ पे हल्का कुछ, यहाँ पे मैंने 7 से 8 स्टेप किए, यहाँ पे ओनली 5 स्टेप एंड यहाँ पे 2 स्टेप, तो ऑलरेडी डार्क, मीडियम एंड लो हो जाता है। इस तरीके से आपको ये पूरा प्रॉपर हैचिंग, क्रॉस, सर्कल, टिपिंग, राउंडिंग, ये आपको पूरा इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सर्कल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये सर्कल को राउंड लेके हमने इस तरीके से, ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ, ये देखिए, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा लेयर, जैसे मैंने बोला जितनी ज़्यादा लेयर, ये देखिए यहाँ पे मेरी लेयर बढ़ रही है, ठीक है, ये मेरी लेयर बढ़ रही है, ये देखिए ये मेरी लेयर बढ़ रही है, और यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से एकदम डिम, ठीक है।
ये देखिए, ये देखिए, ये आपका सर्कल, ठीक है। और जितना आप हल्के हाथों से करोगे उतना ही आपका, और जितना डार्क, तो ये आपका इस तरीके से शेप बनेगा, ठीक है। यहाँ अभी मैंने सेमी सर्कल का ही दिया है, ये फुल सर्कल पे मैंने शेडिंग अप्लाई किया है, देख रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से डॉट से, एचिंग से, ओके, आपका सर्कल वाइज में सर्कल, ये देखिए परछाई। अब ट्रायंगल शेप में बनाइए, इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करके, पेज कंप्लीट करके पिक सेंड करना है।